आस्था के पर्व छठ के समापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी लोग भगवान उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देंगे और ये पर्व पूरी हो जाएगा। आपको ये दृश्य दिखाना चाहते हैं, कितनी अद्भुत छठा है। आप इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में भगवान छठ की जो पूजा है उसको लेकर क्या आस्था है। सभी लोग यहाँ पर छठ घाटों पर मौजूद है और परिवार के साथ मौजूद होकर लोग यहाँ पर छठी मैया को अर्घ दे रहे हैं। भगवान उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है और इस दृश्य को आप देखकर समझ सकते हैं कि छठ घाटों पर ठंड होने के बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार छठ का जो महत्व है किस तरह से है और कैसे ये लोग सोचती है कि जिस तरह से लोगों का उत्साह रहता है, चार दिनों तक ये चली प्रक्रिया और आज छठ समापन की ओर है, इन लोगों ने कैसा महसूस किया और ये जो परंपरा चली आ रही फिर अगले वर्ष लोग छठ का इंतजार करते हैं, अगले वर्ष छठ पूजा करेंगे, तो बताइए क्या सोचती है। आज छठ महापर्व का समापन होने जा रहा है और छठी मैया का हम लोगों ने काफ़ी आस्था के साथ व्रत किया और ये चार दिनों का पर्व है और काफ़ी उत्साह इसमें रहता है और आज भी लोग चार दिनों का अपना उपवास करके आज व्रती अपना उपवास तोड़ेंगे और समाज और घर के सुख शांति और कल्याण की कामना करेंगे। आप क्या सोचते हैं? तो आप देख सकते हैं इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ लोगों की भीड़ काफी अच्छी खासी भीड़ है और सबसे बड़ी बात है छठ की अगर इतिहास को अगर जानना चाहेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इतिहास को लेकर कई तरह की बातें आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं। बताया ये जाता है कि इस व्रत को करने में भगवान राम और सीता माता ने भी इस व्रत को किया था और उसके बाद अगर कहा जाता है तो द्रौपदी जब पांडवों के साथ पूरी विपदा आ गई थी तो द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था और ये कामना की थी कि उनके पति की जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके, साथ ही साथ उन्होंने जो पूरा उनका जो साम्राज्य चला गया था उसको पाने की इच्छा से भी इस व्रत किया गया था। तो इस व्रत का अपना एक इतिहास है और अभी अद्भुत छठ आप देख सकते हैं और कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई है छठ से लेकर। छठ के दौरान आप देखेंगे कि लोग छठ घाटों पर जमकर खुशी मनाते हैं और सुबह सुबह की जो अद्भुत छठा है वो अपने आप में देखने लायक होती है। इस दौरान लोग आते हैं घाटों पर आकर सबसे पहले जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ महसूस की जाती है कि गंगा माँ है, वहाँ पर गंगा माता, जिस तरह से माता का संबंध सीधे नदियों से है, तालाबों से है, उस तरह से महसूस किया जाता है कि गंगा माता को यहाँ पर आकर गंगा माँ की आरती की जाती है और लोग अपने हाथों में ये लेकर जो दीप लेकर उसे कपूर लेकर उसे कहीं ना कहीं अर्पित करते हैं। हमारे साथ और लोग भी कुछ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो छठ की मान्यता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या लगता है छठ घाटों पर आकर? यहाँ का छठ में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और जितना भी जुमला से छठ बढ़ती है चाहे अगल बगल जितना देहात क्षेत्र से उसका देखने से आज लग रहा है कि आज का त्यौहार छठ का बहुत आस्था के साथ आदमी के बहुत और यहाँ से आया हुआ बच्चा है और काफ़ी संख्या में आदमी लोग आए हैं देखने से लग रहा है छठ का त्यौहार मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा तो मतलब आप किस किस तरह से महसूस करते हैं यहाँ पर आने के बाद? महसूस हो रहा है कि यहाँ काफ़ी अच्छा नदी का पानी बढ़ता हुआ लग है और काफ़ी अच्छा जगह है जिसमें पूरा फैला हुआ है ऐसे लग रहा है कि छठ का और बहुत आस्था के साथ अपनी छठ को। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कई स्थानों पर घूमे हैं, सर आप भी जाना चाहते हैं आप छठ में तो कई स्थानों पर रहे हैं, हाँ कैसा लगता है छठ का? छठ तो एक मतलब बोला जाए कि ये अपने बिहार झारखंड का जो स्थान है और ये सभी जगह होता है, मुंबई में भी रहे हैं वहाँ भी छोटे छोटे जगहों पे जहाँ जहाँ तालाब वगैरह वहाँ भी होता है और मेन बीच पे होता है उसका बिहार के तो नहीं जुमला में अभी देखें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था देखकर प्रशासन का और जो लोगों का मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, हर स्थान पर छठ की मान्यता है और छठ लोग मनाते हैं, तो ऐसे में स्पष्ट है। अभी हम जहाँ मौजूद है गुमला की नदी के किनारे और यहाँ की छठा अपने आप अद्भुत दिख रही है, लोग यहाँ पर छठी मैया को अर्घ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यह मान्यता धीरे बढ़ती जा रही है, इसके प्रति आस्था और विश्वास बढ़ रहा है।
आप देखेंगे कि और सारे पर्व जो है उसमें लोगों की संख्या थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर छठ की मान्यता जिस तरह छठ का लोगों का विश्वास है वो मान्यता धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है कि करने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लोगों ने कई पर्वों में ये बात मान के रखा है कि पर्व में आडंबर आ गया है, पर्व नहीं करते हैं, लेकिन छठ के प्रति जो आकर्षण है निश्चित रूप से अद्भुत है और इसकी यही परंपरा यही आकर्षण लोगों को कहीं ना कहीं से जोड़े रखा हुआ है और वही परिणाम है कि 4 दिनों तक कठिन तपस्या के बाद आज छठ का समापन हो रहा है। लोग अगले वर्ष फिर छठ के आने की उम्मीद करेंगे और छठ के बेसब्री से तैयार करेंगे ताकि वो दोबारा इसमें शामिल हो सके और छठी मैया को अब देखकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर सके। सुशील कुमार सिंह कुबला।